अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। लास्ट टाइम हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था कंप्लीट, और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोग इसके स्टेटमेंट की तरफ देखें तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने जो भी इक्वेशंस आपके पास गिवन है उसमें से टी वेरिएबल को एलिमिनेट करना, मतलब आपने दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए कोई एक इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसमें आपके पास टी वेरिएबल बिल्कुल भी कहीं पे नज़र ना हमें आ रहा हो। तो अब सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं, और आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 2 खुद करना है। मैं थोड़ा सा हिंट उसका दे दूँगी। तो पार्ट नंबर 1 है जो आपके पास, वो है एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसके बाद उन्होंने सेकेंड इक्वेशन दी हुई है वाई इक्वल्स टू 2at डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ये आपके पास टू इक्वेशंस गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, नंबर दे देते हैं, नंबर के साथ इसकी नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि कौन सी इक्वेशन नंबर 1 है और कौन सी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने करना यहाँ पे ये है, आपके पास यहाँ पे टू इक्वेशंस के मैंने, ठीक है, तो आप करें कि टी वाली जो है, आपने इस टाइप का ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि आपने टी वेरिएबल को सेपरेट करना है, बल्कि टी वेरिएबल हमने सेपरेट किए हुए हैं, लेकिन इस फॉर्म में आपने कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप पीछे एक्सरसाइज के चेक करें आप लोगों ने नहीं किया। बस एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास जो मौजूद था वो आपके पास एक्सरसाइज 6.12 की जो एग्जांपल नंबर 4 है, अगर आप लोग उसको देखें और ये वाले क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 के इन दोनों पार्ट्स को देखें तो ये दोनों पार्ट्स उस एग्जांपल नंबर 4 से बिल्कुल मिलते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि टी को एक साइड पर रहने देना है। अगर आप चेक करें तो जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली को चेक करें इक्वेशन को, तो वहाँ पे टी सारे वेरिएबल्स इसी साइड पे हैं, ठीक है, सिर्फ एक्स हमारे पास सेपरेट है, ओके, क्योंकि टी इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, दोनों टर्म्स में, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक टर्म में टी नहीं है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है, इसीलिए आप लोगों ने पूरी टर्म को एक साइड पर रहने देना है। एक्स वेरिएबल आपके पास एक साइड पर ही है, आप लोगों ने करना ये है कि इसका स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि अगर आप लोग इस फ्रैक्शन को देखें तो कोई भी चीज़ आपस में यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही है, कैंसिल नहीं हो रही है, तो मैं इसका अगर स्क्वायर ले लूँ, होल स्क्वायर ले लूँ, तो आपके पास होगा ये कि ये जो होगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, और उससे जब हम सॉल्व करेंगे इसको इसके साथ तो फिर आपके पास कोई ना कोई टर्म कैंसिल होकर और सेम टर्म्स बन जाएंगे और हम उसे कैंसिल कर देंगे। इसी तरह आपने इक्वेशन नंबर 2 को देखना है, टी वाले टर्म्स को इधर रहने दें, बाकी टर्म्स को उस साइड पे ले जाएं। यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल टी के अलावा ए है, तो ए को मैं इस साइड पे ले आऊँगी वाई के साथ, बाकी टर्म आपके पास इधर ही रहेगी। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करती हूँ और उसका स्क्वायर ले लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे अगर मैं स्क्वायर ले लेती हूँ तो ये पूरे टर्म के ऊपर स्क्वायर आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, पूरे टर्म के ऊपर आपके पास टी स्क्वायर आना है, ओके। तो अब आपके पास जो होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, या स्क्वायर रूट स्क्वायर्स की मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि उसकी एक प्रॉपर्टी ऐसे भी होती है कि अगर आपके पास पूरी टर्म डिवीजन की पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो उसका मतलब यह है कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट हम स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस किए थे और मैंने स्क्वायर रूट को ऊपर और नीचे सेपरेट कर दिया था, बिल्कुल एज इट इज़ स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी है। ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने इस पे सेपरेट फार्मूला अप्लाई करना है और इसके ऊपर सेपरेट फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अगर तो मैं इसके ऊपर फार्मूला, या तो आप दोनों का खोल लें खोलना चाहते हैं, या तो आप जस्ट ऊपर वाली टर्म का खोल लें या नीचे वाली टर्म का खोलना, तो आप वो भी खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों के फार्मूलाज ओपन करूँगी। सबसे पहले ये आपके पास 1a हो जाएगा
बी आपके पास टी स्क्वेयर हो गया है, तो आप लोगों ने ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा ए का स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी टू टी स्क्वेयर। इसी तरह वन प्लस टी फोर माइनस टू टी स्क्वेयर, ये टर्म आपके पास, ये इक्वेशन नंबर बन गई है थ्री। अब आपने करना ये है कि इसकी, तो मैंने इक्वेशन नंबर वन को यूज़ किया है, अब मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन नंबर टू को। यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन टू को जब मैं यूज़ करूँगी, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो वेरिएबल ए है इसको मैंने वाई के साथ लेके जाना है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और आपके पास ए के अलावा बाकी सारी टर्म एज इट इज़ रह जाएगी। अब आपने इसका भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि आप लोग देख लें यहाँ पे कोई भी टर्म ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम इसका भी होल स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन सॉरी, हम जो अब स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा, तो इक्वेशन चाहे आप ना ही मेंशन करें, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन गिवन है इसका मैंने स्क्वायर लेना है, तो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। और इसी तरह टू टी ओवर वन माइनस टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने करना ये है, अभी मैंने आपको बताया अगर फ्रैक्शन में लिखी हो तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों के ऊपर आपके पास स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई का सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा, ए का सेपरेट स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे टू टी के ऊपर स्क्वायर और वन माइनस टी स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लें आप, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वैसे ही, टू के ऊपर भी स्क्वायर है और टी के ऊपर, क्योंकि होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उसके ऊपर स्क्वायर होगा, तो टू का स्क्वायर लूँगी तो टू टू ज़ा फोर, फोर टी स्क्वायर। आगे देखें, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो फर्स्ट टर्म आपके पास वन प्लस टी फोर माइनस टू टी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास बन गई है इसकी इक्वेशन नंबर फोर। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर थ्री आई है और इक्वेशन नंबर फोर आई है, इसको मैं कर दूंगी ऐड। क्यों ऐड करूंगी, आपने बल्कि ऐड नहीं करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे फोर टी स्क्वेयर है, यहाँ पे टू टी स्क्वेयर है, तो ये ऐड होकर एट टी स्क्वेयर, सिक्स टी स्क्वेयर हो जाएंगे, मतलब ये वाली फॉर्म आपकी नीचे वाली नहीं बनेगी, मुझे इन दोनों फॉर्म्स को आपस में कटिंग करना है। टू टी स्क्वेयर इन दोनों का तभी बनेगा जब मैं इन दोनों को कर दूंगी माइनस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन थ्री, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर फ्रॉम इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री फोर को इक्वेशन नंबर थ्री में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले तो आपके पास ये होता था हम ऊपर नीचे वैल्यूज़ रख के सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, उनके साइन में कर देती थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन के टर्म्स हैं और सेम टर्म्स भी नहीं हैं। तो दूसरा जो आप लोगों ने एक सब्ट्रैक्ट का तरीका पढ़ा था कि हम ब्रैकेट्स में लिख के, मतलब कि आप लोग फर्स्ट टर्म लिख देते थे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेंटर में साइन माइनस लगा देते थे और सेकेंड टर्म आ जाती थी, ठीक है, ये वाला तरीका भी आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट का पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे वो वाला काम करना है, फोर को थ्री में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये थ्री वाली टर्म एक्स स्क्वायर पहले आएगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, हम यही काम कर रहे हैं ना, पहली को थ्री वाली को थ्री वाली में से माइनस कर रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर फोर को, तो थ्री यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू इक्वल की इस तरफ आएगी, क्योंकि इक्वल से पहले आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वेयर है और वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास इक्वल से पहले यही दो आएंगे माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब आपने करना ये है
इक्वल के उस तरफ वाली जो टर्म्स हैं उनको आपने राइट कर देना। एक्स स्क्वेयर है तो पहले आपके पास इक्वेशन थ्री की आएगी, वन प्लस टी फोर प्लस टू टी स्क्वेयर, वन प्लस टी फोर माइनस टू टी स्क्वेयर, माइनस वन प्लस टी फोर माइनस टू टी स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा फोर टी स्क्वेयर। अगर आप चेक करें यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस वाली टर्म है, सेंटर में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो आपके पास एलसीएम नीचे वाली टर्म, दोनों सेम टर्म्स हैं, अगर सेम टर्म्स हो तो आपके पास एलसीएम वही बनता है, अगर डिफरेंट हो तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा एलसीएम क्या बन रहा है। सेम टर्म्स है तो आपके पास एलसीएम यही बन जाएगा। ये वाली टर्म को इस टर्म पे डिवाइड करें, सेम टर्म है तो डिवाइड, जब ये इस टर्म पे डिवाइड होगी तो वन आ जाएगा, और वन को अगर मैं ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो यही टर्म रहेगी, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होकर टर्म चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास फोर टी स्क्वेयर लिखा है, ये भी सेम टर्म है, अगर सेम टर्म है तो मैं इसको डिवाइड करूँगी, वन आएगा, और वन को अगर मैं फोर टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास फोर टी स्क्वेयर ही रहता है। अब यहाँ पे आपने प्लस माइनस कर देना है, प्लस माइनस सिर्फ सेम पावर्स वाली को करना है, डिफरेंट पावर्स वाली एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकती। प्लस टू एंड माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस, फोर में से टू माइनस करूँगी तो टू आ जाएगा, और साइन आपके पास आएगा बड़ी वैल्यू का। अब आप देखें आपके पास ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म सेम है, तो अब ये मैं यहाँ पे जाके इसको कटिंग कर सकती, पहले मैं कटिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर आपके पास ऊपर प्लस या माइनस में डिफरेंट टर्म्स हो तो पूरी टर्म एक साथ कटिंग हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से टू को इस टू से और इस फोर को इस फोर से और वन को वन से कैंसिल कर दूँ, ऐसे हम कभी भी कैंसिल नहीं करते। अगर आपके पास साइन आ जाए तो हम पूरी टर्म को देखते हैं कि पूरी टर्म नीचे मौजूद है तो तब हम उसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये वाली फुल टर्म इस फुल टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल वन। इस साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर ए इक्वल्स टू वन। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है यहाँ पे कहीं पे भी आपको टी वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में टी वेरिएबल को ही एलिमिनेट करना था। आपके पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इक्वल्स टू वन, यहाँ पे आपके पास कहीं पे भी वेरिएबल टी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो इक्वेशन बनाई है इसमें वेरिएबल टी को हमने एलिमिनेट करना था, और आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास कहीं पे वेरिएबल टी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो भी इक्वेशन बनी है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ पे हमने वेरिएबल टी को एलिमिनेट कर दिया। इस तरह आपके पास ये हो गया है इसका पार्ट नंबर वन। लेकिन आप ये देखें यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में अभी पार्ट नंबर वन में आपको यहाँ पे अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने वेरिएबल टी के लिए एलिमिनेट करने से जो इक्वेशन बनाई थी वो बना ली हुई है। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो अगर आप सिंपल में इसे करना चाहते हैं कि आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन ना हो, तो उसके लिए आपको सिंप्लीफाई करके मज़ीद इसके टू स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, वो करना ये है कि आपने यहाँ पे ए स्क्वायर है डिवीजन में, आप इसका इधर से एलसीएम ले लें, क्योंकि एक फ्रैक्शन में एक सिंपल में सेंटर में माइनस का साइन है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं एलसीएम लूँगी तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ए स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा ए स्क्वायर वन मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर ही होता है। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो ये वाली इक्वेशन है। अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मज़ीद इसके टू स्टेप्स करके चेक करना चाहते हैं तो आपके पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी एलिमिनेट करने के बाद, वो आपके पास इक्वेशन आएगी ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। यहाँ पर रख लेंगे तब भी ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस आपके पास वेरिएबल टी इसमें नहीं होना चाहिए। अब आपके पास इस तरह पार्ट नंबर वन तो हो गया कंप्लीट, लेकिन आपके पास जो इसका पार्ट नंबर टू है, पार्ट नंबर टू का मैं जस्ट क्वेश्चन के साथ इसका आंसर बता देती हूँ कि आपके पास आंसर क्या आएगा, आप लोगों ने करना इसे खुद ही है। एक्स इक्वल्स टू वन प्लस टी स्क्वेयर ओवर टू ए टी, ये इक्वेशन नंबर वन है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास
बी वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर। ये भी आपके पास बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, एक्स और वाई है, आपने ए वेरिएबल को इस तरफ लेके जाना है, टी वाली टर्म्स इधर रह जाएंगे और यहाँ पे भी आपने बी को इस तरफ लेके आना है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ये इसके साथ ये सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी वाली टर्म्स रह गई, आपने इनके स्क्वेयर्स लेने हैं और उसके बाद चेक कर लेना है आपके पास प्लस हो के सेम टर्म्स आ रही हैं या माइनस हो के सेम टर्म्स आ रही है, फिर उसे कटिंग करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास इसकी जो इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने से वो है वन ओवर ए स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल्स टू वन, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास बनेगी, लेकिन आपको मैं दूसरी चीज़ एक और बता दूँ, यहाँ पे तो आपको इस इक्वेशन में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। थोड़ी सी चेंजिंग आपने ये करनी है क्योंकि ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन पार्ट नंबर वन करवाया था, अगर आप इसके डिनोमिनेटर चेक करते तो डिनोमिनेटर में आपके पास सेम यानी कि वन माइनस टी स्क्वायर अगर एक इक्वेशन के है तो दूसरी इक्वेशन के भी वही था क्वेश्चन में पार्ट के, अगर आप देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ वन माइनस टी स्क्वायर, लेकिन अगर आप यहाँ के दोनों के डिनोमिनेटर चेक करें दोनों के चेंज है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी जाके वो चीज़ आगे जाके कैंसिल होकर और वन आंसर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो यहाँ तो आप इसको वन माइनस टी स्क्वायर कर, बल्कि आपके पास ये देखें, हाँ इसको तो नहीं कर सकते, ये वन प्लस टी स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी वन प्लस टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे नीचे है, तो मुझे ये वाले टी स्क्वायर को नीचे लेके आना है। तो नीचे लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि हमने इनकी जगह यानी ऊपर वाला साइन नीचे, ऊपर वाली टर्म नीचे, नीचे वाली टर्म ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 लिखा होता और इसका रेसिप्रोकल अगर मैं लेती हूँ तो वो 1 ओवर 4 होता है, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, ऑपोजिट जब टर्म्स हो जाएंगी तो 1 ऊपर और 4 नीचे आ जाता है। सेम इसी तरह आप लोगों ने करना ये है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 1 ऊपर ही एक्स की टर्म क्या है, ये पूरी टर्म है, 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 280, ठीक। तो ये आपके पास आगे जाके जो हो जाएगी वो हो जाएगी 280 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। और इसमें से आप लोगों ने जब a को इस तरफ ले आए हैं तो जब आप a को इस तरफ ले आएंगे तो वो आपके पास हो जाएगा ए एक्स। अब आप अगर इसका स्क्वायर लेंगे और फिर इसका स्क्वायर लेंगे जब ये b इस साइड पर चला जाएगा, इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेके आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज कटिंग हो जाएंगी और आपके पास इक्वल्स टू 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 भी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इजीली इसका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। तो इस तरह आपके पास आ चुका है इसका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और आपके पास आ चुकी है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट।